हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो जे के लक्ष्मी सीमेंट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसे क्वार्टर फोर रिजल्ट को लेकर। इसका जो क्वार्टर फोर रिजल्ट आ चुका है तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट कैसा आया है। पहले हम बात कर लेते हैं इसे डिविडेंड की। तो आप देखोगे इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है ना वो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर से किया है। तो अब आप देखोगे इसका जो क्वार्टर फोर रिजल्ट आया है वो कैसा आया है। तो आप देखोगे हम बात करेंगे इसे कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में, जो टोटल वैल्यू दी गई है इन रुपीज़ करोड़ में दे रखी है। अगर मैं बात करूँ टोटल इनकम या टोटल रिवेन्यू की, तो आप देखोगे अब की बार जो टोटल इनकम रहा है वो मार्च क्वार्टर में वो है 1615 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 1303 करोड़ का। प्रीवियस मार्च क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप देखोगे 1451 करोड़ का। तो आप देख सकते हो क्वार्टर टू क्वार्टर भी हमें जो इसके रिवेन्यू में जंप देखने को मिला है, और प्रीवियस मार्च क्वार्टर से भी हमें जो इसके रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेंस को लेकर, यानी टोटल खर्चे। तो आप देखोगे अब की बार जो इसके एक्सपेंसेस रहे हैं वो 1367 करोड़ के। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 1203 करोड़ के। प्रीवियस मार्च क्वार्टर में आप देखोगे 1207 करोड़ के। तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी हमें जो इसके एक्सपेंस में जंप देखने को मिला है, और अगर बात करें प्रीवियस मार्च क्वार्टर से तो वहाँ से भी हमें जो है ना इसके एक्सपेंस में जंप देखने को मिला है। अब की बार आप देखोगे इसका जो रिवेन्यू है वो इसके एक्सपेंस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी आप देख सकते हो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे अब की बार जो इसका टोटल प्रॉफिट बचा वो है 188 करोड़ का। जी हाँ, 188 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 65 करोड़ का। प्रीवियस मार्च क्वार्टर में आप देखोगे 159 करोड़ का। तो आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप, और प्रीवियस मार्च क्वार्टर से भी हमें जो है ना इसके प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर की। तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट था वो था 421 करोड़ का, और अब की बार आप देखोगे 477 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर में भी हमें जो ना अब की बार ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में। अब हम बात करते हैं इसके ईपीएस को लेकर, यानी अर्निंग पर शेयर। तो आप देखोगे अब की बार जो इसका ईपीएस रहा है वो 15 रुपये 61 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे 5 रुपये 45। प्रीवियस मार्च क्वार्टर में आप देखोगे 12 रुपये 99 पैसे। तो आप देख सकते हो इसका जो क्वार्टर फोर रिजल्ट है ना बहुत अच्छा है। कंपनी को जो है ना बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आने वाले टाइम में हमें जो इसका शेयर प्राइस में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्टों के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।